हेलो एंड वेलकम टू हॉलीवुड अनफोल्डेड। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मई 2020 में रिलीज हुई मूवी सर्वाइव द नाइट के बारे में। ये एक एक्शन थ्रिलर मूवी है और इसके IMDb रेटिंग 5.8 है। मूवी रिलीज हुए ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है, इसलिए ये रेटिंग कम ज़्यादा हो सकती है। इस मूवी के डायरेक्टर है मैट एस्कंदारी और इस मूवी में लीड रोल प्ले किया है ब्रूस विलिस ने एस फ्रैंक, उनके साथ है चैड माइकल मरे एज रिच। ये मूवी हाउस हॉस्टेज सिचुएशन पे बेस्ड है, जिसमें दो भाई एक घर में घुस जाते हैं और घर के लोगों को बंदी बना लेते हैं उनके किसी मकसद के लिए। और जिस फैमिली को वो बंदी बनाते हैं वो ये सिचुएशन से कैसे सर्वाइव करते हैं, ये हमें इस मूवी में दिखाया गया है। वो दो भाइयों का क्या मकसद था और इस फैमिली के साथ क्या होता है, हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं मूवी के एक्सप्लेनेशन, आई होप आप सभी को पसंद आए। मूवी स्टार्ट होती है दो भाई जेमी और मैटी किसी को मार के उससे पैसों से भरा बैग लूट के लाते हैं। मैटी चेक करता है तो उस बैग में $20,000 होते हैं। मैटी कहता है हमें आज ही रात में बॉर्डर क्रॉस करना है, क्योंकि जैसे ही पुलिस को उसकी बॉडी मिलेगी वो हमें ढूंढना स्टार्ट कर देंगे। वो डिसाइड करते हैं मैक्सिको जाने का और मैक्सिको के रास्ते पे निकल पड़ते हैं। आगे हम देखते हैं रिच जो एक डॉक्टर है, अपनी वाइफ जैन और बेटी राइली के साथ उसके फादर फ्रैंक के घर शिफ्ट हो गया है। रिच की सिस्टर उसे लोकल क्लिनिक में जॉब दिलवा देती है। रिच असल में बड़े सिटी हॉस्पिटल में काम करता था और वहाँ उसके साथ एक कार एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें दूसरी कार वाला मर जाता है। मरने वाली की फैमिली रिच पे केस कर देती है और रिच को मरने वाली की फैमिली को पैसे देने पड़ते हैं, उसका घर भी चला जाता है और सारे पैसे भी। रिच चाहता तो केस लड़ सकता था, जिसमें जब तक केस का फैसला नहीं आता तब तक रिच को कुछ नहीं देना पड़ता और केसेस तो काफ़ी लंबे समय तक चलते रहते हैं। और शायद आखिरी में वो जीत भी जाता, क्योंकि जो हुआ वो एक एक्सीडेंट था, पर रिच ऐसा नहीं करता और अपने घर और पैसों से हाथ धो बैठता है। रिच का फादर फ्रैंक इस बात से बहुत नाराज़ होता है। वो रिच से कहता है तुमने फाइट बैक क्यों नहीं किया, केस क्यों नहीं लड़ा। तब रिच कहता है मैं मेरी फैमिली को कोर्ट और बाकी चक्करों में पड़ता नहीं देखना चाहता था। रिच की वाइफ जैन भी उससे इस बात को लेके काफी नाराज होती है, उसे लगता है कि इससे उनकी बेटी का फ्यूचर खराब हो सकता है। उनके पास कुछ भी पैसे नहीं है, वो आगे कैसे मैनेज कर सकते हैं। तब रिच की मदर रेचल जैन को समझाती है कि पैसे आज नहीं है कल आ सकते हैं, जरूरी है फैमिली का साथ रहना। आगे हम देखते हैं वो सब एक साथ डिनर कर रहे होते हैं, तभी रिच को क्लिनिक से एक इमरजेंसी कॉल आता है। तब रिच क्लिनिक के लिए निकल जाता है। फ्रैंक एक रिटायर्ड शेरिफ है जो हमेशा से रिच के साथ स्ट्रिक्ट रहा है, उसे लगता है कि शायद उसने रिच की परवरिश ठीक से नहीं की। तब रेचल कहती है ऐसा नहीं है, तुमने तुम्हारी ओर से बेस्ट किया है, रिच बस तुम्हारा साथ चाहता है। तब फ्रैंक कहता है मैं हमेशा से उसके साथ हूँ, मुझे प्राउड है उस पे। तो रेचल कहती है ये तुम्हें रिच के सामने जाहिर करते रहना चाहिए। फ्रैंक कहता है मैं तुम्हारे बिना कैसे रह पाता, तुम हमेशा सही कहती हो। आगे हम देखते हैं जेमी और मैटी एक पेट्रोल स्टेशन पे रुकते हैं और मैटी जेमी को पेट्रोल के पैसे देने और साथ ही बियर लेने स्टोर में भेजता है। और जेमी के बिहेवियर से शॉपकीपर को शक हो जाता है। और फिर अचानक से स्टोर से गनफायर की आवाज़ आती है और मैटी भी उसकी गन लेके स्टोर में जाता है। अंदर आते ही वो देखता है जेमी ने स्टोर में मौजूद एक लड़की को पकड़ लिया है और शॉपकीपर पे फायर किया है। शॉपकीपर के पास भी गन है और उसने पुलिस को भी कॉल कर दिया है। जेमी उस शॉपकीपर से कहता है बाहर आ जा वरना मैं इस लड़की को मार दूंगा। वो लड़की कहती है प्लीज़ मुझे जाने दो, मेरा एक छोटा बच्चा है। मैटी जेमी को रोकने की बहुत कोशिश करता है पर जेमी कुछ नहीं सुनता और उस लड़की को मार देता है। तभी वो शॉपकीपर फायर करना स्टार्ट कर देता है और बुलेट मैटी के पैर में लग जाती है और जवाब में जेमी भी फायर करता है, जिसमें वो शॉपकीपर भी मर जाता है। फिर दोनों भाई वहाँ से भाग जाते हैं। उन दोनों को समझ नहीं आता क्या करे, वो हॉस्पिटल तो जा नहीं सकते। तभी मैटी को एक आइडिया आता है और वो एक क्लिनिक के पास पार्क करते हैं और जेमी अंदर जाता है। वहाँ रिच को दूसरे डॉक्टर से बात करते सुनता है एक सक्सेसफुल ऑपरेशन के बारे में। रिसेप्शनिस्ट जेमी से कहती है क्लिनिक बंद होने वाला है, वो कल आए। तब जेमी वहाँ से चला जाता है। फिर रिच बाहर आता है और घर के लिए निकलता है और ये दोनों भाई उसका पीछा करते हैं। उनका प्लान है रिच के घर में घुस के उसके परिवार वालों को बंदी बनाना और रिच से ऑपरेशन करवा के भाग जाना। रिच घर पहुंचता है और उसके पीछे आते हैं ये दोनों भाई। रिच का घर काफ़ी दूर और आइसोलेटेड है, जिससे इन दोनों का कॉन्फिडेंस काफ़ी बढ़ जाता है। मैटी जेमी से घर के अंदर जाने कहता है और कहता है प्लीज़ अब किसी को मत मारना। वो दोनों अंदर जाते हैं। तब जेमी को फ्रैंक के पुराने पिक्चर्स दिखते हैं शेरिफ की यूनिफॉर्म में। वो फ्रैंक के रूम में जाता है और तभी वहाँ रेचल आती है जो पानी पीने किचन में गई थी। और जेमी रेचल को देखते ही
शूट कर देता है। फ्रैंक जेमी को पकड़ लेता है और जेमी मैटी को आवाज देता है और मैटी आके फ्रैंक के सर पे मार के उसे बेहोश कर देता है और तभी रेचल मर जाती है। मैटी जेमी से कहता है, ये तुमने क्या किया? मैंने कहा था किसी को नहीं मारना है। तब रिच और जैन भी उठ जाते हैं और रिच गन में बुलेट्स डालता है और तभी जैन राइली को लेने उसके रूम में भागती है और राइली को लेके वापस आती है। तभी वहाँ जेमी आ जाता है और जैन को बहुत फोर्स से मारता है और पकड़ लेता है। यहाँ रिच मैटी पे गन पॉइंट करता है पर बहुत देर हो चुकी है, जेमी ने ऑलरेडी उसकी फैमिली को पकड़ लिया है तो रिच कुछ नहीं कर पाता। जेमी उन सभी को नीचे हॉल में बांध देता है और उनके फोन्स भी तोड़ देता है। मैटी कहता है, हमें कोई पैसे नहीं चाहिए, मेरा खून बहुत बह रहा है, तुम मेरा ऑपरेशन करो और हम यहाँ से चले जाएंगे। रिच कहता है, मुझे सर्जिकल किट चाहिए और वो बाहर शेड में है। तब जेमी उसे शेड में लेके जाता है और रिच मौका देख जेमी पर अटैक कर देता है पर जेमी बच जाता है और रिच को लातों से मारता है और गन पॉइंट पे घर के अंदर लेके जाता है। जेमी मैटी को डाइनिंग टेबल पे लिटा देता है और रिच को कफ से बांध देता है। रिच कहता है, ऑपरेट करते टाइम मुझे हेल्प की ज़रूरत पड़ने वाली है। तब जेमी हेल्प के लिए फ्रैंक को लाता है और रिच जेमी और फ्रैंक को मैटी को ज़ोर से पकड़ने के लिए कहता है और मैटी के पैर से बुलेट निकालने के लिए कट करता है। तब दर्द के मारे मैटी बेहोश हो जाता है। रिच बुलेट निकाल लेता है और अब उसे स्टिचेस करना है। तभी फ्रैंक जेमी पे अटैक कर देता है और जेमी किसी तरह किचन से चाकू लेके फ्रैंक को कट कर देता है और फ्रैंक घर से बाहर भाग जाता है। जेमी फ्रैंक का पीछा करता है पर वो काफ़ी दूर निकल जाता है। तभी मौका देख के जैन हाथ खोल के पुलिस को कॉल करने का ट्राई करती है पर तभी जेमी आ जाता है और जैन को मार के बेहोश कर देता है। तब रिच कटर मैटी के गले पे रख के जेमी को धमकाता है और कहता है कि उसकी फैमिली को जाने दे, पर तभी जेमी फायर करता है और रिच के शोल्डर पे गोली मार देता है। जेमी जैन और रैली को चेयर से बांध देता है पर उस टाइम रिच कफ्स खोल के भाग जाता है और जेमी उसे ढूंढने जाता है और तभी उसके पीछे से रिच आता है और जैन और रैली को छुड़ा लेता है और वो सब घर से बाहर भाग जाते हैं। रिच जैन और रैली को दूसरे शेड में छुपने के लिए कहता है। वो लोग कहीं जा भी नहीं सकते क्योंकि कार की कीज जेमी के पास होती है और उनका घर लोकेलिटी से काफ़ी दूर होता है। फ्रैंक रिच को ढूंढ लेता है और उसे लेके पहले वाले शेड में जाता है और तब रिच फ्रैंक को शेड में रखी एक दूसरी किट लाने के लिए कहता है और फिर मिरर से देखता है तो पता चलता है कि बुलेट शोल्डर के पार चली गई है। अब उसे सिर्फ स्टिचेस करना है और फिर वो किसी तरह हिम्मत करके स्टिचेस करता है। तब फ्रैंक कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मुझे तुम पे हमेशा से गर्व है। दूसरी ओर हम देखते हैं जेमी मैटी के पास जाता है और रोता है। मैटी को होश आता है और वो भी अपने पैर को देख के रोता है। मैटी कहता है, तुम मुझे छोड़ के भाग जाओ, अब मैं नहीं बच सकता। तब जेमी कहता है, मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाने वाला, तुम रेस्ट करो, मैं सब ठीक करता हूँ। पर उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे और सुबह हो जाती है और फिर वो बाहर निकल के सबको ढूंढने लगता है और पहले शेड के पास जाता है जहाँ रिच और फ्रैंक है। तब फ्रैंक जेमी को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए वायर की हेल्प से कार जंप स्टार्ट करता है और भागता है और जेमी दूसरी कार में उसका पीछा करता है। आगे चल के ट्रैक्टर के रास्ता ब्लॉक करने की वजह से कार से उतर के फ्रैंक जंगल में भागता है। जेमी उस पर फायर करता है पर फ्रैंक बच जाता है। यहाँ रिच जैन और रैली के पास जाता है और तभी वहाँ जेमी आता है और रिच को मार के बेहोश कर देता है और दोनों को घर लेके जाता है और बांध देता है। रैली वहीं रह जाती है। जेमी रिच को मैटी के पास लेके जाता है और रिच स्टिचेस करना स्टार्ट करता है पर मैटी दर्द सह नहीं पाता और मर जाता है। जेमी रोता है और तभी फ्रैंक घर में आता है और जैन को खोल देता है और जैन फ्रैंक की गन लेके रिच को बचाने जाती है। फ्रैंक को जो कट लगा था उसमें पेन के कारण वो वहीं रह जाता है। जेमी रिच को मारने वाला होता है तभी वहाँ जैन आके फायर करती है पर जेमी बच जाता है और उसका पीछा करता है और फायर करता है पर जैन बच जाती है। पर तभी रिच के हाथ मैटी की गन लग जाती है और वो फायर करके कफ से आज़ाद हो जाता है और बाहर जाके जेमी को शूट कर देता है। जेमी वापस फायर करता है पर रिच वहाँ से भाग जाता है और जेमी अंदर मैटी की बॉडी के पास जाता है और मैटी को देखता है। तभी पीछे से रिच आता है और फिर से जेमी को शूट करता है और जेमी मर जाता है। फिर रिच घर के बाहर आता है और तभी वहाँ जैन और रैली भी आ जाते हैं। वो लोग हग करते हैं
पीछे से फ्रैंक भी आता है और वहाँ बैठता है और मूवी यहाँ ख़त्म हो जाती है। तो कैसी लगी आपको ये मूवी मुझे कमेंट्स में बताएं, और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें ताकि ऐसे ही लेटेस्ट मूवीज़ पे मैं वीडियोज़ लाता रहूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर।